हेलो बच्चों, तो हम लोग अध्याय 10 की जर्नी हम लोग चालू कर चुके हैं और वीडियो एक आ चुका है। और वीडियो एक में मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग करे थे। इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आज करने वाले हैं, और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट अपने पहले वाले वीडियो में बताया था। अभी मैं इसको थोड़ा देर के लिए साइड कर देता हूँ या मिटा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये फिर से आएगा, आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटाइएगा मत। यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम लोग को क्या दिया है कि वेक्टर ए हम लोग को दिया है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है सर। और बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप। अब हम लोग को क्या निकालना है, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है, योगफल के। तो सबसे पहले योगफल करो आप लोग, तो इसका पहले योगफल कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, बताया था आई के साथ जोड़ो, जे के साथ जोड़ो, के साथ जोड़ लेते हैं। कॉमन निकालते हैं ना हम लोग, कॉमन निकालते हैं भाई। तो यहाँ से आई में अगर कॉमन निकाला आई कैप, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा -1। प्लस जे कैप कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा -1 और ये +1। अरे कॉमन निकाल रहा हूँ बस। और यहाँ पे अगर मैं के कॉमन निकाल लिया, के वाले में देखो के कॉमन निकालूंगा तो ये 2 प्लस क्या है ये 3। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो क्या बचा, 2 में 1 गया, 1 मतलब सिर्फ आई बचा। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो आई कैप बस बचा, माइनस प्लस ये तो 0 हो गया, तो ये 0, ये 0, जे कैप। और ये क्या हो गया, 3, 2, 5 के, 0 वाले को हटा दो, 0 वाले को हटा दो, 0 वाले को नहीं लिखते, तो ये आया। क्लियर है क्या? अब हम लोगों को क्या करना है, योगफल के, ध्यान से देखो यहाँ पे, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के योगफल, के यहाँ पे योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। हाँ ये लिखना पड़ेगा। क्या होता है, योगफल दे दिया तो क्या होता है, योगफल ना मतलब ये डायरेक्ट ये लिखो ना यार, ए कैप प्लस बी कैप, कैप नहीं वेक्टर, कैप का आदत हो गया, कैप पहले कैप पहनता था, अब जो इधर है उसका क्या कर देते हैं, मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर। तो केयर करना है ना, तो हम लोग के पास ये निकल गया क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहीं है क्या? हाँ सर ये है ना सर, आई प्लस 5k है सर, आई प्लस 5k। अब इसका मॉड करते हैं तो सर बताऊं कैसे करते हैं, सर पहले अंडर रूट लगाओ ए, अब हम लोग हाँ इसको देखते हैं, पहले सर अंडर रूट लगाओ आई के साथ, सर 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस सर जे तो है ही नहीं तो जे का तो छोड़ दो सर, के क्या है सर 5, तो 5 का स्क्वायर ये, तो सर फाइनली हो जाएगा आई कैप प्लस 5k कैप। यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 1 26, तो ये आ जाएगा √26। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दोनों एक ही है, लेकिन ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचना, इसमें सिर्फ वेक्टर ए था, तो यहाँ पे वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए किया मैं। यहाँ पे बोला था योगफल बोल के रखा है, योगफल, अगर योगफल बोला है तो सबसे पहले मैं योगफल निकालूंगा, उसके बाद भाई ये निकालूंगा योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है। और इसमें कोई परिमाण नहीं दे के रखा था, अगर देता तो मैं उसका गुणा कर देता। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सर ए वेक्टर मतलब सर सदिश ए क्या दिया है, सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बेहतरीन। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई माइनस जे माइनस के कैप। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को करना है बी वेक्टर के साथ। तो मैं क्या बोला, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू वीडियो में बताया था, यहाँ पे आई जे के आँख बंद करके लिख लो। ये जो है ये ए कैप का इलाका है और यहाँ पे बी कैप का इलाका है, मैं बताया था। और मैं बोला था ये आई का इलाका है, ये जे का इलाका है, यहाँ जे डॉन है और यहाँ पे के डॉन है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है
ए वेक्टर की बात करूंगा और इस रो में मैं बी वेक्टर की बात करूंगा। अभी ए वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो ए वेक्टर को देखो, तो आप लोग को देखना है ये आई वाला है ना, ये आई वाला है, ये आई वाला है, ये जे वाला है और ये के वाला है, ठीक है भाई। क्योंकि ये देखो ये आई का है ना, तो यहाँ पे पूरा आई का रहता है, यहाँ पे पूरा जे का रहेगा, यहाँ पे के। तो देखो आई के साथ क्या है सर, आई के साथ वन है सर, जे के साथ क्या है, सिर्फ ए वेक्टर में देखना, अभी जे के साथ भी वन है सर, अरे कुछ नहीं है, तो जे जे के साथ वन ही गुणा है ना, के साथ सर वन है। अब हम लोग बी वेक्टर में आए, ये बी वेक्टर में आए, तो हम लोग को देखना है ये आई का इलाका है, ये जे का इलाका है, ये के का इलाका है। तो देखो बी वेक्टर में आई के साथ क्या है सर, वन है, और सर जे के साथ क्या है सर, वन नहीं सर, माइनस वन है, माइनस वन, और के कैप के साथ क्या है, माइनस वन। तो ये आ गया ओवरऑल। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सारणिक सॉल्व करने के लिए आता है, हम लोग को सारणिक सॉल्व करने के लिए आता है, हम लोग को सारणिक सॉल्व करने के लिए आता है। मैं सारणिक में समझा चुका हूँ, तो अभी नहीं समझाऊंगा। तो आई को लिया मैं, आई को लेते हैं, तो इसके सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति को नहीं लेते, तो क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बचा यहाँ पे, एक 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 माइनस एक माइनस एक, और फिर माइनस जे कैप करते हैं, याद है बर्फी वाला कंसेप्ट बताया था आपको सारणिक में, तो ये माइनस जे कैप हुआ, तो यहाँ पे इसके सामने वाला स्तंभ और ये पंक्ति को नहीं लूंगा, तो क्या बचा, एक 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 माइनस एक, एक 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 माइनस एक। अब प्लस के कैप देख लो भाई, के कैप, तो सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति को नहीं लूंगा, तो क्या बचा, एक 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 माइनस एक, एक 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 माइनस एक। हाँ एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, आई को जब मैं कंसिडर किया तो ये मैं नहीं लूंगा, तो एक एक माइनस एक माइनस एक, एक एक माइनस एक माइनस एक, फिर हम लोग माइनस जे करते हैं, है ना, सेकंड वाला माइनस होता है, बर्फी वाला कंसर्ट आपको अपन सारणिक में बता चुके हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके चलता है, तो ये प्लस, ये देखो ये प्लस और फिर ये माइनस, तो ये मैं माइनस लिया। अब इसके सामने वाला पंक्ति, सॉरी ये स्तंभ और ये पंक्ति को नहीं लूंगा, तो एक 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 माइनस एक, एक 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 माइनस एक। अब के कैप की बारी आई, तो ये सामने वाला स्तंभ और ये पंक्ति को नहीं लूंगा, तो एक 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 माइनस एक, एक 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 माइनस एक। अब चलो क्या करते हैं हम लोग, ए क्रॉस और ये बी क्रॉस, ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है, ये आई, अब इसका गुणा इससे, हम लोग को दो बाई दो का सारणिक तो आता है ना, एक का गुणा माइनस एक से माइनस एक, माइनस करूँगा, एक का गुणा माइनस एक से हो जाएगा माइनस एक, ये आया माइनस जे, एक का गुणा माइनस एक से माइनस एक, माइनस माइनस का चिन्ह लगाया, फिर एक का गुणा एक से, तो ये आ गया एक, प्लस के कैप, एक का गुणा माइनस एक से माइनस एक, अब माइनस लगाया, एक का गुणा एक से तो एक आया। तो ध्यान से अगर देखते देख रहे हो आप लोग, तो क्या मिलेगा, आई माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस वन, माइनस जे कैप माइनस वन माइनस वन माइनस टू होता है, प्लस के कैप माइनस वन माइनस वन माइनस टू होता है। तो ये और ये तो कट गया, तो ये पूरा ओवरऑल जीरो हो गया, तो आई वाला जो पार्ट है, आई वाला जो पार्ट है, आई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब ये टू जे हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस टू के हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मेरा ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, आई का गुणा जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू जे, टू जे माइनस टू के, ये बचा। अगर आप चाहो तो दो कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे से जे कैप माइनस के कैप, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। तो देखो सिंपल सा कहानी था, सिंपल सा कहानी था, क्या आप लोग को ये समझ में आया क्या, क्या आप लोग को ये समझ में आया क्या। तो यार ये बताओ, ये आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर छठवा, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर छठवा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है, यदि मॉड ऑफ ए वैक्टर चार, मॉड ऑफ बी वैक्टर चार, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, तो सदिशों ए कैप और बी कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखें, जब कभी भी डॉट है, अगर मेरे को बोला ए डॉट और बी डॉट के बीच कोण हम लोग को फाइंड करने बोला, कोण, कोण तो कैसे फाइंड करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप इंटू बी कैप बटा मॉड ऑफ ए कैप इसी का मॉड इंटू इस बी का मॉड, ये आप लोग ध्यान रखना। अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा, अभी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का भी आएगा। तो जब कभी भी आप लोग को ए डॉट बी दिखा, ये देखो ए डॉट बी, और आप लोग को कोण पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला में मेरे को क्या चाहिए, ए कैप इंटू बी कैप दिया हुआ है क्या, ये तो इन्हीं का है, ये तो दिया ही हुआ है, क्या दिया है, ए कैप इंटू बी कैप दे दिया है, देखो ए कैप इंटू बी कैप सिक्स। अगर नहीं दिया रहता तो निकालते, आगे के क्वेश्चन में देखना, नहीं दिया होगा तो निकालेंगे। अब मॉड ऑफ ए कैप दिया है क्या,
हाँ ये दिया है 4 गुणा मॉड ऑफ बी कैप दिया है 4, ये 4, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहाँ से थीटा निकालना है ना कोण, ठीक है ध्यान से देखना, ये 6, 4 चौक 16, 2 से काट दूँ, 2 तिया 6, और ये 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आया 3/8, ठीक है ये आंसर नहीं है, ठीक है ये आंसर नहीं, हम लोगों को कोण पूछा है, तो एक्चुअली में हम लोगों को थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/8 आया, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है ये हो गया आंसर। मैं अगर चाहता तो यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखा सकता था और उधर जाके कॉस इनवर्स कर देता, कॉस इनवर्स कर देता, ठीक है, लेकिन वो बड़ा भारी टाइप का दिखता है, ठीक है इसलिए मैं ऐसा नहीं किया, ये बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप, सॉरी ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर अपॉन ए वैक्टर का मॉड और बी वैक्टर का मॉड, लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, थीटा वैल्यू निकाल देना है, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, क्लियर है कि यहाँ तक, चलो ठीक है। या तो आप इसको चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, अगर कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं सर मेरे को कोण का ही चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख लो भाई, कॉस इनवर्स ए कैप सॉरी ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर मॉड ऑफ ए वैक्टर बी वैक्टर, मतलब दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है, बस मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू वहाँ पे लिखा बस, तो चलो ये आया। अब देखो ये है, सेम है, सेम है, सेम फॉर्मूला लगेगा, अगर मेरे को ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर दे दिया और कोण निकालो बोलूँगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। चलो हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर कर लेते हैं, लो चलो आपको कन्फ्यूज ना बना रहे कि कोण बोला है, ठीक है तो चलो ये हो गया। यहाँ पे भी सेम है, वो ना कोण ना बोल के और डॉट प्रोडक्ट ना बोल के आपको कोजिया बोल दिया, कोजिया का मतलब भाई ये कॉस, कॉस कोजिया बोल दिया, ठीक है यहाँ पे भी सेम करना है, कोण बोल दिया, ये कोण बोल दिया, ठीक है और कोजिया बोल दिया, तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट अगर कोजिया बोल दिया और वहाँ पे कोण बोल दिया तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व लिखा, फॉर्मूला अगर कोण की बात करूँ तो क्या होता है, सेकंड में जो लिखाया था यही वाला प्रिफर कर लो, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगा ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, यहाँ पे दे दिया था पहले ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, अब नहीं दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे, तो हम लोग को ए वेक्टर मालूम है 2i माइनस 3j प्लस ये k क्या, ओके मल्टीप्लाई यहाँ पे i प्लस j माइनस 2k। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, i के साथ होगा, शुरू वीडियो में बताया था 2i का मल्टीप्लाई i के साथ हो जाएगा, तो i क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा 1 के साथ, तो ये 2 हुआ, यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 का गुणा 1 के साथ तो ये माइनस 3, प्लस 1 का गुणा माइनस 2 के साथ तो ये आएगा माइनस 2। अब ये कैसे हुआ तो पहले वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है आई का गुणा बच्चों सिर्फ आई के साथ करें तो 2i गुणा आई हो जाएगा, आई गुणा आई 1 होता है तो सिर्फ 2 बचा तो ये 2, माइनस 3j का गुणा j के साथ होगा तो j गुणा j 1 हो गया तो माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा k का गुणा माइनस 2k के साथ तो k इंटू k 1 हो जाएगा तो माइनस 2 ही बचा, ठीक है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 3 आया, ये माइनस 3 आ गया माइनस 3, तो ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्या है माइनस 3, तो ये मैं माइनस 3 लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर कहाँ है, ए वेक्टर को देखो ये ए वेक्टर का मॉड चाहिए, ए वेक्टर का मॉड चाहिए मतलब अंडर रूट, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4, अपन मैं परिमाण निकालना सिखाया हूँ ना मॉड निकालना, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि k के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये किसका मैं मॉड निकाला a वेक्टर का मॉड वो निकाला मैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1। अब मैं निकाल रहा हूँ b वेक्टर का मॉड, तो अंडर रूट लगाया क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 और रूट 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 ये 6 हो गया, ये आ गया, ये आया। तो ये आप लोग का, अब काट कुटा के आप कुछ करते बन रहे हैं तो आप लोग वो कर सकते हो, बाकी ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप लोग का आंसर आ गया फाइनली। तो आप लोग अगर इस पे आप और सॉल्व करना चाहते हो तो हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तीन, ध्यान से देखो, 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 दूनी 14 दो सकते हाँ, तो यही आएगा। और इसको और इसकी वैल्यू नहीं लिखना, आप इसकी वैल्यू मत लिखना। तो फाइनली ये हमारा आंसर कर दो, ये हमारा आंसर हुआ। तो फाइनली तो इस वीडियो के लिए मैं ये आप लोग को आंसर लिखवाया। तो ये आप लोग को समझ में आया क्या बताओ, ये आप लोग को समझ में आया क्या बताओ, ये आप लोग को समझ में आया क्या, ये आप लोग को समझ में आया क्या, फाइनली बताओ ये आप लोग को समझ में आया क्या। ठीक, तो ऐसा करते हैं पूरा। तो ये पूरा कैलकुलेशन मैं आप लोग के लिए करवाया, पूरा कैलकुलेशन मैं आप लोग के लिए करवाया, आप लोग के लिए करवाया पूरा कैलकुलेशन ये। ठीक ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज गौर करने के बीच का कोण की कोज्या, ध्यान से देखना पूरा कंसेप्ट हो गया। ठीक, अगर मेरे को बोला सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण, तो याद रखना करना है ये करना है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, हाँ, इसमें बोला है, इसको मैं मान लो ए कैप मान लिया, सॉरी ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच का कोण की कोज्या पूछा है। कोण की कोज्या मतलब वो कॉस थीटा पूछा है, समझ में आए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, थीटा कब करना है और कॉस थीटा कब करना है। तो कोण की कोज्या अगर बोल रहा है तो यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करो। तो इसको इधर कर देंगे तो ये कॉस थीटा, तो ये माइनस तीन रूट 14 इंटू रूट 6। अब ये देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब कभी भी आपको कोण की कोज्या पूछा तो ये वाला ध्यान रखना, और कभी भी आपको सिर्फ कोण बोल दिया तो ये वाला लगाना, ये वाला लगाना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या करवाया और इस क्वेश्चन में क्या करवाया आप लोग देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि ये आंसर है, कई लोग बोलेंगे कि ये आंसर है, भाई मतलब सेम होता है, इसको आंसर रखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, दो सदिश ए और बी है, वेक्टर हमारे पास है, इस प्रकार मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी हम लोग को दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए डॉट बी दिया हुआ था। ठीक है, हो तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तब यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर निकलता है, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स यहाँ पे जो है वो लिखते हैं, क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट गिवन रहेगा और उसके बीच का कोण अगर पूछेगा, तो आप लोग को यहाँ पे साइन थीटा लगाना है। यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी का मॉड बटा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए बी का मॉड, क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। अब ध्यान से देख लो, कंपैरिजन कर लो, लिख लो, जब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर के साथ तो कॉस लगता है, यहाँ पे देखो डॉट रहता है, अगर क्रॉस है तो यहाँ पे साइन लगता है, देख लो। तो हम लोग को अभी क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, मतलब वो करेंगे, हम लोग को ए और बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण लिख लो, कोण को ज्ञात करो। ठीक है, ए हो तो ए और बी, बी के बीच का कोण को ज्ञात करो, तो हम लोग को ये करना है। तो हम लोग, ये हो गया थीटा, साइन इनवर्स क्या ये दिया हुआ है, क्या ए क्रॉस बी दिया है, लेकिन मेरे को मॉड चाहिए, तो निकाल लेते ना,
ए क्रॉस बी मेरे को दिया हुआ है कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो क्या आप लोग इसका मॉड नहीं निकाल पाओगे, क्या आप लोग इसका मॉड नहीं निकाल पाओगे क्या? मॉड सर ये होता है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 49, और रूट 49 होता है 7। तो इसकी वैल्यू में निकाल लिया, ये आ गया 7। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है 2, तो ये हो गया 2 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर ये दिया हुआ है 7, तो यहाँ से 7 से 7 कट गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आया, 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30 होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बताया हूँ, क्लियर है? तो ये ऐसा बनता है। तो आप लोग को जो केयर करना था, यहाँ पे केयर करना है, ठीक है, यहाँ पे केयर करना है। जब ये आया तो क्या है, जब डॉट आ रहा है तो क्या गणित चल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वीं में ख़त्म करा। तो ऐसे करके बनाना है, तो आप लोग को क्वेश्चन में ऐसे करके घुमा देगा, कोण तो पूछेगा। अगर मैं आपसे अगर कोण पूछूं तो आप लोग पूछ लेना कि पहले सर बता दो डॉट प्रोडक्ट का कि क्रॉस प्रोडक्ट का, उस हिसाब से फिर हम लोग सूत्र डिसाइड करेंगे, तो ठीक है, फिर अगले का क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो देखो नौ हुआ इजी है। अब फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो, विस्थापन डी दिया हुआ है कि अनुदिश कार्य करने वाला बल दिया हुआ है द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होता है, कार्य फाइंड करना है, कार्य होता है F into D, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है मेरे ख्याल से तो फॉर्मूला। तो F क्या दिया हुआ है, F वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, और D वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 2j प्लस 5k। अब हम लोग को डॉट निकालना आता है, i वाले का i के साथ होता है, तो 2 × 2 = 6 प्लस −1 × 2 − 2 प्लस 1 × 5 = 5, ये हुआ 6 − 2 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में 2 = 4, 5 × 4 = 9, ये 9 आया, 9 इकाई इसका आंसर, 9 इकाई है ना, हम लोगों कार्य पूछा था तो 9 इकाई इसका आंसर हो गया। ये एक नंबर के लिए आता है, ये एक मार्क्स के लिए आता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में अगले वीडियो में कराऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 भी है, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है, तो लास्ट वीडियो में ये अध्याय खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं करवाऊंगा, 4 नंबर के लिए आते हैं। तो ठीक है, तो 9 तक मैं करवाया, तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आप लोगों को करवाया। ध्यान से देखते रहना क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।